खेरिया फतेहाबाद रोड पर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी की 124वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप समता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज सिंह निषाद रहे। उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद के ऊर्जावान इतिहास के बारे में प्रकाश डाला। आज परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की 124वीं जयंती का आयोजन कलाल के लिए फतेहाबाद रोड पर किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय डॉक्टर साहब लेखराज जी मुख्य अतिथि के रूप में यहां उपस्थित हुए। काफ़ी संख्या में यहां समाज सेवी व्यक्तित्व यहां उपस्थित हुआ और बड़ी धूमधाम के साथ मिष्ठान वितरण कर माल्यार्पण कर स्वामी ब्रह्मानंद जी की जयंती आज मनाई गई है। और इनके इतिहास बहुत ही सादगी भरे रहे और इनका जो विचार थे बहुत ही ऊर्जावान थे। लोगों को इनके विचारों से इनके इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पग चिन्हों पर चलना चाहिए। आज बहुत ही एक ऐतिहासिक घोषणा भी हुई है कि कलाल खेरिया ग्राम पंचायत में स्वामी ब्रह्मानंद जी की एक मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम अगले वर्ष इसी दिन 4 दिसंबर को ही किया जाएगा, जिसमें बहुत लोगों में उत्साह है स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरित्र को जन जन तक पहुँचाने का। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में हमारा बड़ा का कार्यक्रम है। आज हमारे समाज की परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन है, जो कि शिक्षा के सागर, इन्होंने शिक्षा के लिए समाज को, गरीब समाज को, शोषितों को, दलितों को, सबको उद्देश्य दिया, एक मार्गदर्शा रास्ता दिखाया कि आप प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार शिक्षा प्राप्त करना। तो उस पर स्वामी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी जी को घर घर तक स्वामी जी के जो बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमने कलाल खेरिया के प्रधान जी से 10-20 लोगों से सलाह मशवरा करके एक बहुत बड़ी मतलब समाज की मांग थी कि स्वामी जी की मूर्ति जो कि हमारे आगरा जनपद में नहीं है वो लगाई जाए। तो हमने वो मूर्ति लगाने के लिए कलाल खेरिया के ग्राम पंचायत भवन पर घोषणा की है और उसको हम जल्द से जल्द लगाएंगे।